तब भी प्रदर्शन क्यों चल रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला कि जो आप कह रहे हैं कि सरकार जो आरोप हम लोगों पर लगा रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टी या ये नेता ये लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं या ये कोचिंगों का नाम लिए कि इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो हम बाद में करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि सरकार आपकी मांग मान ली है CBI जाँच की, तो फिर आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? तो हम लोगों की जो मेन मांग थी वो उन्होंने ये नहीं बताया कि CBI जांच किसकी होगी। उन्होंने बस कहा कि आप लोगों ने, किसी ने पूछा मीडिया वाले ने कि माननीय गृहमंत्री जी से कि लड़कों की डिमांड है CBI, उन्होंने कहा कि हमने मान ली। किसकी जब मांग थी और क्या मांगा गया ये नहीं क्लियर किया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहले जो सरकार का आदेश था CBI जांच की मांग करने का, उसमें उन्होंने पहले कहा था कि 21 तारीख का, वो हम पूरा आपको आगे समझाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको कहा कि 17 से 22 का जो CGL टीयर 2 का पेपर हुआ था उसकी CBI जांच की मांग उन्होंने भी मांगी नहीं है। बात कही है कि हम कहेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी आदेश नहीं आया है सरकार का या कहीं भी DOPT या होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ऐसा कोई आदेश नहीं है कि सरकार ने CBI जांच के आदेश दे दिए। ये पहली चीज। लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं ये, और आज जिस तरीके से इन छात्रों की तरफ से एक मैसेज भेजा गया है वो चौंकाने वाला है। इन्होंने जो संदेश हमें भेजा है उसमें ये कह रहे हैं कि 31 मार्च को, जब इनकी कोई सुन नहीं रहा है, तो 31 मार्च को पूरे देश से लड़के दिल्ली में इकट्ठा होंगे और उस प्रदर्शन का नाम इन्होंने दिया है हल्ला बोल चलो दिल्ली। तो ये देखना होगा कि व्यवस्था में बात तभी सुनी जाएगी जैसे महाराष्ट्र में किसानों की सुनी गई जब वो एक बड़ी संख्या में मुंबई तक पहुंचे, तो क्या इन छात्रों की बात भी तभी सुनी जाएगी जब ये एक बड़ी संख्या में दिल्ली में किसी भी जगह शायद SSC के सामने इकट्ठा होंगे।